अच्छा। मम्मी घर में पहुंचा लगा कि नहीं लगा? अभी तक लगा भी पहुंचा। अरे लेकिन बच्चे का ध्यान रखिएगा। अरे हमारा बच्चा है। अरे अरे ऐसे कैसे यार, अरे आप इसको वर्ल्ड का सबसे क्या सर? हाँ सर, सर थोड़ा घुमाव करा के ले आना, मैं तब तक आपका अरे सच में घुमा देख ले। वर्ल्ड के सबसे बड़े शोर सुपर चल बकरियां चला रहे हैं। अरे देखो, अरे ये क्या? अरे घर के सामने कोई सड़क है? है कोई अच्छा सा ट्रक देख के कूद के नहीं जाते उसके आगे? व्यक्ति में कूद जाऊंगा अगर ट्रक तुम चलाओगी तो। सर इनको तो शो पे होना जरूरी है सर। सर प्लीज सर। क्या बोलता है राघव? मुझे नंगे लोगों से नफरत है सर, मैं अपने आप को भी नंगा नहीं देखता हूँ शीशे में। देखा देवरानी जी कितना अच्छा नाचते हैं। अरे हर चीज देखे हैं कैसे स्लो मोशन में करते हैं आपके भैया। अरे सब सिखा देंगे, आपको पसंद नहीं है का स्लो मोशन? तो अगर हम दोनों शादी कर लें तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आंटी क्या कह रहे हो आप, इससे शादी कर लूं मैं? बुरा है क्या है? सर अगले मेरी टीम से आ रहे हैं, शायरी मैं बंद कर देती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज। यू वांट टू? यस नो। इतनी गंदी शायरी और कौन करेगा स्टेज में? ओके ओके आई विल गिव इट टू यू। आपने बाकी के शोज के नहीं गिने सीजन? नहीं नहीं वहाँ पे शक्ति नहीं थी, इस शो में शक्ति है। तभी तो सर तभी तो आधे शो में वापस आ गया भाई। शक्ति और राघव तो मिसाल है, प्लेटोनिक है, ये हीर रांझा बन चुके हैं। इनकी बात बने ना बने इनकी बातें हो चुकी है, तो ये मेरा बड़ा हिमेश रेशमिया स्टाइल निकल रहा है। अब हम लोग स्कूल में थे साथ में, व्हेन आई वाज इन सिक्स तभी आए मेरे स्कूल में, एंड तभी एकदम टपोरी टाइप्स रहते ना बच्चे। तभी नहीं अभी भी। तभी एकदम टपोरी टाइप। So presenting हर्ष केसरी। Presenting हर्ष केसरी। हाय 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 हाय। अगली लाइन बस। मैंने शायरी छोड़ दी। तभी से वो ही स्टार्टेड लाइन मारना है नॉल। ओह लाइन मारते मारते आप आ गए। अच्छा अब ये आ गया है सिक्स में क्योंकि OTT है। हाँ। ये क्या है सर, ये लिजल भाभी का प्रॉप स्टेज में कैसे आ गया? नाम बाबू सर, इतने, मुझे... वो भी इतने प्यार से कि घर वाली फीलिंग आती है, मतलब तो तुम क्या बाहर वाले रह गए अब? She calls me baby. She doesn't need to call me babu. सर का लाड लाऊं। हाय शक्ति अभी क्या लेके आया है? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना, चोट तो नहीं लगी ना ज्यादा? कहाँ चोट लगी, नहीं लगी। हाँ नहीं लगी चोट, तुम हेवन से गिरी हो ना अर्थ पे। डॉक्टर आपके ये दांत कैसे टूटे? रेमो लिजेल ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर को खाने से मना कर देते? रेमो जी हाँ वही तो किया था। राघव को शो से क्यों निकाल रहे हो? रेमो क्योंकि मुझे लाइफ में दो लोगों से प्रॉब्लम है और निकाल में सिर्फ एक ही को सकता हूँ। लिजेल कहीं दूसरी मैं तो नहीं? रेमो नहीं तुम तो पहली हो। ओ, 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 हाय अब शादी हो चुकी है, देखो मत मुझे। सर थोड़ा शगुन। सर क्या कर रहे हो सर, पर प्लेट का तो खाना। रमेश सर सुना है आपकी शादी कराने वाला पंडित मर गया। रेमो सर एक ना एक दिन उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी थी।
अच्छा वो सुनो, जाते समय टिंडे खरीद लेना मार्केट से। जा ना तू। गैस हमेशा खुली छोड़ के आती हो घर की, ठीक है? जोर से मारेगा। मौसम है बजाने का। चाप 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 लिसेल, तुम सारी दुनिया में भी ढूंढो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। रेमो, तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढू? आप टेंशन मत लो, इसको भाई वाली जो भी चीजें होती है ना, मारना पीटना सारी सारी चीजें मैं करने वाली हूँ। बधाई हो, मुझे साला हुआ है। इसमें बैठ बैठ के मेरे पीछे ऐसा सर्कल बन गया है। हर हफ्ते डॉक्टर रेमो, तुम्हें आराम की जरूरत है, ये लो नींद की गोली। लिजेल, थैंक यू डॉक्टर साहब, ये इनको कब कब देना है? डॉक्टर, ये इनके लिए नहीं आपके लिए है। अरे अरे अरे, नाक में चली जाएगी उंगली, क्या कर रहे हैं? अंजलि 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 जोर से मारेगा। मौसम है बजाने का। चाप 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 चाप। सर, एबीसीडी 25 में एक माँ है जो अपने बच्चों को भेजते कंपटीशन में। अब माँ आएंगे। रेमो सर, आपकी बीवी और साली अगर दोनों एक शेर के पिंजरे में फंस गए तो आप किसे बचाएंगे? रेमो, ये कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली मैं शेर को बचाऊंगा। तुम बहुत प्यारी हो लिजेल। थैंक्स। रेमो, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखती हो। लिजेल, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? रेमो, मजाक। पता है, मैदान में उतरना सीख लिए हैं, खेलना नहीं सीखे हैं दोनों। रेमो सर ने सब सिखाया, सिर्फ यही नहीं सिखाया क्या? लिजेल, रेमो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं, क्या बताऊं? रेमो, लव यू लिजेल, जरा दिखाओ। लिजेल, रुको अभी पहन के आती हूँ। मैं माइक के तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे। रेमो, डन, लेकिन प्रॉमिस कि तुम वापस भी तभी आओगी जब मैं लेने आऊंगा। रेमो, मैच वाला चैनल लगाओ। लिजेल, नहीं लगाऊंगी। रेमो, देख लूंगा। लिजेल, क्या यही चैनल जो तुम देख रही हो? राघव को शो से क्यों निकाल रहे हो? रेमो, क्योंकि मुझे लाइफ में दो लोगों से प्रॉब्लम है और निकाल मैं सिर्फ एक ही को सकता हूँ। लिजेल, कहीं दूसरी मैं तो नहीं? रेमो, नहीं, तुम तो पहली हो। बल उठा के आ गए रूम से। कैसा है दिखने में? अच्छा, बुलन है। हाँ 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 हाँ, चेक वाला है। पता नहीं भाई, यहाँ तो नहीं दिख रहा कहीं। अब बैठे हैं तो चलो मिल ही आते हैं, अब क्या करें, अब चलिए मिलना ही पड़ेगा अब। और भाभी कितने सुंदर लग रहे हैं, नजर न लग जाए। हाँ वो तो चलो अलग बात है, कैसे है आप? आपके ये दांत कैसे टूटे? रेमो, लिजेल ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से मना कर देते? रेमो, जी हाँ, वही तो किया था। इतनी बार कहा है मैं अब घर नहीं आऊंगी तो रोज रोज फोन क्यों करते हो? रेमो सर, सुनकर अच्छा लगता है इसीलिए।